बुलंदशहर से रीशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। बारातियों से भरी इको कार नहर में गिरी। बुलंदशहर में बारातियों से भरी इको कार नहर में गिरी। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो को अस्पताल भेजा गया, तीन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। डीएम और एसएसपी मौके पर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। इको कार में ककोर के गाँव शेरपुर से 8 लोग अलीगढ़ के पिसावा शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर के कटना नहर में गिरी कार। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कल रात हुआ। शेरपुर गांव के निवासी थे और एक ही परिवारी जन थे, और वो शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अलीगढ़ में पेशावा जा रहे थे, और रात में जो है उनकी गाड़ी इको गाड़ी थी जो नहर में गिर गई, जिसमें 3 बॉडी हमें रात मिल गई थी। उसको उसका PM कराया जा चुका है उन सभी का। 2 लोग सकुशल बच गए थे, ठीक हैं वो, और बाकी 3 की तलाश जारी है। SDRF की टीम, स्थानीय गोताखोर और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तलाश जारी है। सर, क्या एक ही परिवार के थे? जी हाँ, एक ही परिवार के थे, और अभी जो है जो 3 मिसिंग हैं उनकी तलाश जारी है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल, ये बताइए कि ये लोग जो खत्म हुए हैं, कौन लोग हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और क्या पूरी घटना हुई है? मेरे बहन भाई थे और एक चाचा थे, रिश्ते कॉन्टेक्ट में, रिश्तेदारी में थे, वो शादी में जा रहे थे। अच्छा। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, वो गाड़ी ड्राइवर ने नहर में वो कर दी, उस पर वो नहीं हो पाई कवर। दो सिस्टर की मौत हो गई, एक भाई की मौत हो गई छोटी की, एक भाई मिला नहीं है अभी। अभी तक कितने लोग लापता हैं? 3 लोग लापता हैं, एक छोटा भाई लापता है, एक चाचा लापता है, एक भांजी लापता है छोटी 5 साल की। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 8 थे, 8 लोग थे। 3 की मौत हो गई? 3 की मौत हो गई, और 3 मिले नहीं है, 2 अभी हैं। किनकी शादी थी आपके घर में? मेरे पापा के मामा के लड़के की शादी थी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? शेरपुर से वहाँ जा रहे थे पिसावा। हमारे बताइए कि इको गाड़ी के अंदर से नहर में जो मौत हुई है, कितनी मौत हुई, कितनी घटना हुई? इको गाड़ी गिरी है नहर में, तो उसमें 3 बॉडी आई है और 3 हमने मोड सीट में रखवा दी है। कुछ घायल भी आए क्या? घायल कोई नहीं आया। 3 की मौत की सर मौत हुई है। ये थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कपना नहर है। आज देर रात्रि बरसात भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, और तब ये सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है। यहाँ नहर के ठीक बगल में एक प्रांगण बना हुआ है मंदिर का, जिसमें कि फ्लड PHC हमारी रुकी हुई थी। उन्होंने आवाज़ सुनते ही तत्काल रिएक्ट किया, और उस समय 5 लोगों को उनके द्वारा वहां से निकाला गया। वाहन में कुल 8 लोग होना बताया जा रहा है। 5 लोगों को इनके द्वारा निकाला गया, जिसमें से 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनकी जिनमें से एक की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, 2 को सीरियस बताया गया है, और शेष 3 लोग अभी नहीं मिले हैं। उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। SDRF और NDRF दोनों को रिक्विजिशन कर लिया गया है, और जो हमारे स्थानीय गोताखोर हैं उनको भी बुलाया गया, और यहाँ के स्थानीय जनता के भी सहयोग लेकर के खोज कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है, और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें करवाई जा रही है। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, ऐसा कुछ पता है? ये थाना ककोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं ये सभी, और ये लोग यहाँ से अलीगढ़ जा रहे थे एक कार्यक्रम में। सर, एक देर रात में इको गाड़ी नहर में गिरी है, कितने लोगों की सर मौत हुई है और कितने लोग अभी लापता हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक ये इको गाड़ी जो है नहर में गिरी है, जिसमें 8 लोग सवार होना बताए गए हैं। 5 लोगों को निकाला गया, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोग ठीक हैं। अभी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। NDRF भी आ रही है, SDRF भी आ रही है, लोकल गोताखोर भी लगाए गए हैं। यहाँ हम लोगों का सौभाग्य था कि यहीं एकदम बगल में ही, नहर के बगल में PSC फ्लड की यूनिट रुकी हुई थी, उनको तत्काल उन्होंने रेस्क्यू किया, तो 5 लोग निकाले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया है, और सभी जो भी घायल हैं उनका पूरा समुचित इलाज कराया जा रहा है, और
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो भी मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है, और पूरा प्रशासन और हम लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज है वो हम लोग कराएंगे। कहाँ से सर ये लोग आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? एक शेरपुर गांव है ककोड़ थाने में, वहाँ से एक शादी में जा रहे थे और पिसावा अलीगढ़ वहाँ जा रहे थे लोग।